फ्लैश, ये देखिए फ्लैश भी उतर गई है इसकी। बोर्ड में लगाते वक्त कनेक्टर खराब हो गया, तो मुझे इसका कनेक्टर कैसे उतारना है और कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक नया टूल है। ये क्या टूल है? जो हमारे भाई LCD लगाते वक्त जिनके कनेक्टर टूट जाते हैं, जो हमारे भाई फेस ID रिपेयर करते हैं, जो हमारे भाई कोई कंपोनेंट उतारते हैं आयरन से वो टूट जाता है, तो उन सब का इलाज क्या करने वाला है? सिर्फ एक ये छोटा सा टूल करने वाला है। ये कितने का मिलने वाला है आपको, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं कि आज का करंट प्राइस क्या है और इसका करंट प्राइस क्या है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखूंगा इसका कि करंट प्राइस मैं मार्केट से कितने का लेकर आया हूँ। तो इस टूल की क्या क्या खास बात है, अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरे भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन बटन आ रहा होगा उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए। तो टाइम ना खराब करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको करते हैं पहले अनबॉक्स और इसके अंदर क्या क्या चीजें अलग से मैंने क्या क्या चीजें परचेस करी है मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले तो आप एक ये बॉक्स देख रहे हो कि बॉक्स आपको काफी छोटा लग रहा होगा, एक्चुअली छोटा बॉक्स है मगर इसके अंदर बड़ा धमाका है। तो इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसको ओपन किया और ये कुछ मैंने इसके अंदर पत्ते भी डाले हुए हैं जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये काम करता है या नहीं करता। एक्चुअली मेरा जो टूल दिखाने का था तो वो रिलीफ कंपनी का एक टूल आता है, मैं आज आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ। और ये टूल किससे चलता है, आपके पास कोई भी आयरन हो उससे तो चला ही सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक आयरन अपने लिए अलग से परचेस करके लेकर आया था, आयरन ये वाला। ये जो आयरन है ये MK टूल्स का आयरन मिलने वाला है आपको, डिजिटल आयरन है। इसके अंदर जो भी हम टेम्परेचर सेट करेंगे वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पे शो होता हुआ दिखाई देगा। तो आप वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। और इसके साथ एक कैटलॉग निकलती है, ये रही कौन सा बटन किस तरह से काम करता है, इसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी भी होंगी। इस कैटलॉग को तो हमारे भाई कोई भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो पहले से ही उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन क्या काम करेगा। तो इस आयरन को भी हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये मैं बता दूं ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग परचेस करी हैं, अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है शॉप का, आप उनसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो आयरन वाली बात है तो ये आयरन आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, MK टूल्स की इसके ऊपर ब्रांडिंग मिलने वाली है और MK टूल्स की ब्रांडिंग के साथ साथ ये आपको आयरन इस टाइप से मिलने वाला है। और ये जो टूल है हमारा, ये टूल किस टाइप का दिखता है, ये टूल कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ हमें एक एलन की मिलने वाली है और एक ये रिलीफ कंपनी का एक टूल मिलने वाला है, ये वाला टूल। ये छोटा सा टूल है मगर बहुत काम का टूल है, मैं इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलिए टूल को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वाले आयरन में तो सेट होगा, जैसे 936 आता है उसके अंदर तो सेट होगा, उसके अलावा जो हमारा पतले वाला आयरन होता है जंपरिंग वगैरह करने के लिए उसके अंदर भी सेट हो जाता है। ये 2-in-1 है ये टूल, दोनों में ये काम करता है। तो इसके अंदर हम कैसे सेट करेंगे, तो इसको हम फटाफट से ऐसे इसको यहाँ से पहले हम इसको खोल लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने आयरन का फटाफट से ये बिट निकाल देंगे बाहर, ये वाला बिट। उसके बाद हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको वापस ऐसे करके इसको हम लगा देंगे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको वापस लगा दिया। अब ये यहाँ पर घूमना भी बंद हो गया, अब मुझे क्या करना होगा, इसको फटाफट से इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से ये लगा देना है, ये इसके ऊपर टाइट हो चुका है। अब मुझे इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज मान के चले ये मेरा आयरन इस तरीके से रखूँगा मैं, तो अपने आयरन के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है, वो ऑन ऑफ स्विच से मैंने इसको ऑन कर लिया है और मैं चलिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको भी और अच्छा सा दिख जाए। तो इसके अंदर इस टाइम कितना डिग्री टेम्परेचर सेट है मैं आप अगर आपको देख के बताऊँ, इसके अंदर 319 चला गया, 330 चला गया, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 350 के आसपास मैंने इसको कर लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, इस आयरन को किसी वेट की मदद से मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ जिससे कि ये आयरन इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे हल्का सा वेट डालना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास इस टाइम आईफोन की फ्लक्स है, मैं इसका जैक उतार के देखने वाला हूँ कितने टेम्परेचर पे उतरता है। अगर ये 350 पे उतर गया तो ठीक है, नहीं तो हम टेम्परेचर और थोड़ा सा अब ज़्यादा करेंगे। ये देखिए, तो ये तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाऊँगा आपको बिल्कुल परफेक्ट कैमरे में। तो मैं आपको फिर भी एक चलिए मैं आपको फ्लैश इसकी उतार के दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये सारे सैंपल मैं अभी आपको फोटो में दिखाऊंगा कि ये कैसे उतरे। ये भी उतार लेते हैं, क्या नाम है, फ्लैश। ये देखिए
फ्लैश भी उतर गई है इसकी, नो डाउट फ्लैश भी उतर गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं उतरने के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईफोन का मेरे पास फ्लक्स है और आईफोन की फ्लक्स के बाद ये मुझे सपोज इसका लगाते वक्त, बोर्ड में लगाते वक्त कनेक्टर ख़राब हो गया, तो मुझे इसका कनेक्टर कैसे उतारना है और कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी देर हुई, सिर्फ इसके अंदर कुछ सेकंड मैंने इसके ऊपर रखा और आईफोन का कनेक्टर निकल के बाहर हो गया। ये जो काम करता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। सपोज मान के चले अब हमारे पास कोई फ़ोन रिपेयर के लिए आया, उसका माइक ख़राब हो गया, तो उसका माइक कैसे उतारेंगे? अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इसका माइक कैसे उतारूंगा। ये देख सके मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ लगाने के बाद माइक एक सेकंड लगता है, सिर्फ एक सेकंड। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस टाइम आयरन का जो टेम्परेचर है वो 500 रखा हुआ है, और 500 रखने के बाद मैंने इसमें से अभी आप देख रहे हैं ये कनेक्टर वगैरह सब इसके उतारे हुए हैं। चलिए मैं आपको पास से नज़दीक से आपको एक कनेक्टर उतार के और दिखाता हूँ कि कितनी सफाई से ये कनेक्टर उतार देता है। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आपको 500 रखना, अगर इसको अगर आप 400 भी करना चाहते हैं तो इसमें आप 400 भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 400 इसमें सेट कर दिया इस टाइम पर। अब सपोज़ मान के चले हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त हमसे कोई जैक वगैरह कट गया, तो ये देखिए कितने इजी तरीके से उतार देता है। आपको लगा कि मैंने कुछ किया, सिर्फ रखा और इसको उतार दिया, जैक ऐसे का ऐसा ही। ये वाला जैक हम दूसरे किसी और पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से एक माइक उतार के दिखाता हूँ आपको, ये वाला माइक। ये देखिए ये माइक मैंने लिया और ये देखिए उतार दिया, माइक भी ऐसे उतारता है, ये कोई हीट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अब जैसे इसने ये सारी चीज़ें उतार दी हैं तो उस चीज़ को उतारते हुए चलिए एक बारी वो देख लेते हैं। तो भाई जैसे कि आपने देखा ये टूल्स कितने कमाल का टूल्स है, अगर हमें किसी फ्लक्स पे से चार्जिंग जैक उतारना हो, कोई कनेक्टर उतारना हो, माइक उतारना हो या माइक के अलावा कोई कंपोनेंट उतारना हो तो एक सेकंड में ये उतार देता है बिना उसको झलाए ना, बिना उसको प्लास्टिक मेल्ट किए हुए। काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसका क्या रेट रहने वाले डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, पूरी डिटेल दूंगा ये आपको कितने में मिलने वाले और ये आयरन आपको कितने में मिलने वाले है। तो अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं या किसी और टूल्स के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो टूल्स के ऊपर वीडियो बना सकूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही।